13 सितंबर का जो डेट था, जो हेयरिंग होने वाला था, उसमें समझ लीजिए कि क्या हुआ है कि जो पेटिस जैसे समझा देते हैं हम आपको, ठीक है। जो पेटिशनर होते हैं ना, वो पेटिशनर होते हैं, तो जब कोई पेटिशनर अपनी बातों को कोर्ट में रखता है तो उसे एफिडेविट के माध्यम से बोलना पड़ता है, ऐसे आप मौखिक से नहीं बोल सकते हैं। ठीक ठीक उसी प्रकार अपोजिट जो पार्टी होते हैं, अपोजिट पार्टी जैसे कोई भी हो सकता है, पिटिशनर या रेस्पोंडेंट, ठीक अपोजिट पार्टी या आप रेस्पोंडेंट बोल सकते हैं, उनको भी सेम केस में एफिडेविट लगाकर वहां पर अपनी प्रस्तुति देनी पड़ती है। तो सुप्रीम कोर्ट ने बिहार सरकार से अपना राय जानने के लिए बोला था कि क्योंकि पहले से आपने उसमें कोई मेंशन चीज नहीं किया है, इसलिए जब उसमें आपने कोई चीज मेंशन नहीं किया है तो आपको एफिडेविट के माध्यम से अपनी बातें एक्स्ट्रा, ठीक है, क्योंकि बिहार सरकार उसमें, बिहार सरकार का ये तो केस नहीं था, ठीक है, ये बिहार सरकार के ऊपर किसी ने केस किया है, किसी ने क्या यानी कॉन्ट्रैक्ट बेसिस वालों ने केस किया है। तो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस वालों ने जब केस किया है तो उसको बिहार सरकार को एक्स्ट्रा अपनी बातें रखने के लिए उसमें क्या करना होगा, एफिडेविट के माध्यम से लिखित रूप से प्रस्तुत करना था, जो कि वो नहीं किया किसी कारणवश। लेकिन अभी जो पहले देखे कि रात को मैंने एक वीडियो बनाया था दोस्तों, रात को वीडियो बनाया था, तो उसमें क्या हुआ कि डेट दिखा रहा था, 13 सितंबर का ही डेट दिखा रहा था, लेकिन उसको अब क्या, मैंने बोला था कि अभी तक कोई अपडेट नहीं हुआ है, ठीक है, लेकिन अभी इसको अपडेट कर दिया गया है, अभी डेट वहां पर शो नहीं कर रहा है, लेकिन कंप्यूटर जेनरेट के माध्यम से जो टेंटेटिव डेट होता है वो जल्द ही उसको सुधार कर और बढ़ा दिया जाएगा, ठीक है। और इसमें अब क्या होगा, फिर से उस दिन जो डेट मिलेगा उस डेट पर बिहार सरकार पहुंचेगा और उसमें जज साहब जो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश होते हैं वो उनसे अपना डिसीजन जानेंगे कि आपसे जो पहले रीजन मांगा गया था आपने अभी तक उसको प्रस्तुत नहीं किया क्यों, तो अपना उस दिन जवाब देगा, ठीक है, जवाबी हल्फनामा जिसे बोलते हैं, ठीक है, इसको देगा और बताएगा। बाकी आप लोगों से एक और चीज कहना चाहेंगे कि देखिए अभी नोटिफिकेशन भी निकलेगा, बहाली का जो अनाउंस हुआ है उसे क्या करें, आप लोग तैयारी करते रहें, पढ़ते रहें, ठीक है। अभी जैसे बी ऑप्शन आप लोग लेकर चलिए, कोई भी हो, जितने अगर आप लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर आपने मेहनत से एनएम का परीक्षा निकाला है तो जाहिर सी बात है कि आप और भी एग्जाम में निकाल सकते हैं, फेसेस कर सकते हैं। जानते हैं कि बायोलॉजी टॉफेस्ट विषय होता है, ठीक है, टॉप विषय होता है बायोलॉजी, और उसमें बहुत ही चीज़ें कॉन्सेप्चुअल होती है, ठीक है, कॉन्सेप्ट उसमें बहुत क्लियर करना पड़ता है। तो ठीक इसी तरह पहले से आप साइंस जानते ही हैं, मैथ रीजनिंग, अभी रेलवे का 10,500 10,500 बहाली आ चुका है, ठीक है, कल से अप्लाई होगा ग्रेजुएशन लेवल का। ग्रेजुएशन में कोई भी साइकोलॉजी, आर्ट्स, साइंस, बीटेक जो भी है ग्रेजुएट लेवल के पास, उसके पास डिग्री है वो मान्य है, वो उसको फॉर्म भर सकता है, अप्लाई कर सकता है। और 21 सितंबर से आपका इंटर पे फॉर्म भरा जाएगा जिसमें क्लर्क के सीट है, ग्रेजुएशन वाले गुड्स गार्ड स्टेशन मास्टर ये वाले फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, लेवल 5 और 6 है, सैलरी भी अच्छी खासी है जिसमें 42,000 40,000 से स्टार्टिंग है। और उसके बाद 12th वाले जैसे क्लर्क हो गए, टिकट क्लर्क काउंटर पे बैठते हैं, उसकी आप फॉर्म भर सकते हैं। तो ये सब चीज़ है, बाकी अपडेट जैसा होगा वैसा आपको बता दिया जाएगा। हार और जीत किसका होगा यह भी कहना उचित नहीं है, सुप्रीम कोर्ट है, किसी को भी जीत दे सकता है जिसके पक्ष का एविडेंस मजबूत होगा, जजमेंट अच्छा होगा तो क्लियर हो जाएगा। हालांकि ये भी आपने मेहनत से किया है, बहुत मेहनत से आपने एग्जाम निकाला है, तो इसे भी नहीं छोड़ना है, लेकिन आप अपना पढ़ाई करते रहिए। केस लड़ने वाले लोग लड़ ही रहे हैं, बिहार सरकार खासकर आपके बहुत बड़े उसमें सीनियर एडवोकेट को उसने रख लिया है, पहले वीडियो में मैंने उनका हिंट भी दे दिया है कौन है वो, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हैं और उस पर आप मेहनत करें, आप जैसा होगा फिर हम आपको बताएंगे। टेक केयर, बाय बाय।